आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज के एपिसोड में हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी और अर्थशास्त्री जोसेफ चिल्लादुरई कुमारप्पा को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 4 जनवरी 1892 को तंजावुर में हुआ था। अर्थशास्त्री के रूप में कुमारप्पा का विश्वास था कि मानव धन सृजन का एजेंट मात्र नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों के साथ अनिवार्य रूप से समाज का सदस्य है। उनके निबंधों ने महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने कुमारप्पा को रचनात्मक कार्यकर्ता बना दिया। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कुमारप्पा को ब्रिटेन और भारत के बीच वित्तीय दायित्वों के विस्तृत अध्ययन के लिए प्रवर समिति का संयोजक चुना गया। जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए तो कुमारप्पा ने उनके समाचार पत्र यंग इंडिया का संपादन संभाला। कुमारप्पा के लेखों के लिए उन्हें 2.5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल से रिहा होने पर कुमारप्पा ने 1934 में बिहार में भूकंप पर राहत कार्य के दौरान वित्तीय सलाहकार के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जमना लाल बजाज की सहायता की। 1942 में कुमारप्पा के लेख स्टोन फॉर ब्रेड के लिए पुनः जेल भेज दिया गया। 1946 में कुमारप्पा ने स्वावलंबन के सिद्धांतों के आधार पर ग्रामीण उत्थान के लिए विस्तृत योजना तैयार की। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई तो कुमारप्पा को इतना गहरा सदमा लगा कि उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। सौभाग्य से कुछ दिन के बाद उनकी आंखें फिर ठीक हो गई। स्वतंत्रता के उपरांत कुमारप्पा ने राष्ट्रीय हित में विभिन्न मिशन पर दुनिया भर की यात्रा की। बाद में वे राजनीतिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए और मदुरै जिले के गांधी निकेतन में बस गए। 30 जनवरी 1960 को कुमारप्पा का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को विनम्र श्रद्धांजलि। हम आज राष्ट्रवादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 4 जनवरी 1931 को हुआ था। मौलाना का जन्म 10 दिसंबर 1878 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। जौहर भारत की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और खिलाफत आंदोलन के अगुआ भी। उन्होंने 1920 में खिलाफत आंदोलन के लिए लंदन गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। इंग्लैंड से वापसी पर जौहर ने 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की, जो बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। जौहर शुरू में मुस्लिम लीग के सदस्य थे, लेकिन 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1923 में वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1930 में जौहर ने खराब सेहत के बावजूद गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। वहां उन्होंने ये प्रसिद्ध वक्तव्य दिया, मुझे आजादी दो या मेरी कब्र के लिए 2 गज जमीन दो, मैं गुलाम देश में वापस नहीं जाना चाहता। ये शब्द सत्य सिद्ध हुए और 4 जनवरी 1931 को लंदन में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके पैतृक कस्बे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना रामपुर के उस महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि है। हम आज स्वतंत्रता सेनानी विष्णु दत्तात्रेय चितले को भी स्मरण कर रहे हैं। विष्णु का जन्म 4 जनवरी 1906 को
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में चितले और के.एम. अशरफ ने मुख्य प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव किया, जिसे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की तुरंत शुरुआत कहा गया। इसमें ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी समझौते से इनकार किया गया था। 1955 में चितले ने पुर्तगाली नियंत्रण वाले गोवा के भारत में विलय की मांग करते हुए 1000 से अधिक सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। पुर्तगाली सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी और कई साथियों के साथ चितले घायल हो गए। बाद में चितले 1957 से 1961 में मृत्यु तक बंबई विधानसभा के सदस्य रहे। महान राष्ट्रवादी चितले को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।